बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये है मेरे सोसाइटी में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इस बार बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इन सब त्यौहारों को मनाने से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि अब धीरे धीरे त्यौहारों का सीज़न आ गया है और ये गणपति जी को वेलकम किया हमारी सोसाइटी ने। पहली बार हमको मतलब इतना जोश दिखा सब में, क्योंकि अक्सर हम दुर्गा पूजा से शुरुआत करते हैं अपने फेस्टिवल्स को मनाना, लेकिन इस बार एक महीने पहले से ही सारी तैयारियाँ शुरू हो गई थी जब से सावन के सोमवार शुरू हुए। तो फिर ऑफिस से आने के बाद मैंने कहा नहीं, मेरा जाना भी ज़रूरी है और सबने बुलाया भी था कि आप प्लीज़ आना, आपको आना है और आपको भोग भी खाना है। तो मैं निकल पड़ी अकेले। देखिए किस तरीके से सजाया गया हमारे पार्क को, देखने लायक था लाइटिंग। और सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अचानक से काफ़ी गर्मी कम हो गई है, ठंडी हवा चल रही है और सोसाइटी के सभी लोग नीचे आए हुए थे, बच्चे अलग खेल रहे थे, बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना बैठ के पूजा कर रहे थे, कुर्सियाँ लगाई गई थी खूब सारी। चलिए मेरे साथ आगे आगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए सब बैठे हुए हैं, ये लोग पहले ही पूजा कर चुके। और मैं जब पहुँची तो उस समय भगवान जी को यानी कि हमारे गणेश पप्पा को भोग लगाया जा रहा था। वो देखिए सामने वो पर्दे से ढके हुए हैं, तो उनको भोग लगा दिया गया और उसके बाद जो है फिर भजन कीर्तन शुरू हुआ। तो सारी महिलाओं से जो हमारे संगीतज्ञ आए थे उन्होंने बोला कि भाई जिसको भी नाचना है वो खड़े हो जाएं, और मैं लग गई लाइन में क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है डांस करने में, तो मैं चुपचाप से लाइन में लग गई। और क्योंकि ऑफिस से आके सीधे ही चली गई, लेकिन नीचे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अच्छे से तैयार होके आना चाहिए था। लोग बहुत सुंदर सुंदर बन के आए हुए थे और इतने जोश में थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे तो पूजा करनी है। तो देखिए किस तरीके से जो है सभी लोग ना अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ संभाल लेते हैं ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और कोई भी ऐसा नहीं होता भक्तों में जिनको प्रसाद ना मिले। देखिए किस तरीके से सब डांस कर रहे हैं। होपफुली जो गाना गाए, जो भजन गा रहे हैं वो सामने, हाँ ये रहे। और इनका भजन मैं थोड़ा सा भी यहाँ वॉल्यूम बढ़ा दूँगी। मैं ये आंटी को बहुत देर से देख रही थी और मेरे को लग रहा था देखो भक्ति के लिए कोई भी आ जाता है ना, मतलब पूजा करने के लिए, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। और इस तरीके से जब अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, कभी गणेश चतुर्थी, कभी दुर्गा पूजा, फिर दिवाली आएगी, तो मैंने प्रण किया है कि मैं हर त्यौहार को इस बार अपनी ही सोसाइटी में मनाऊंगी। क्योंकि हर बार मैं त्यौहार छोड़ के ना अपने घर में ताला लगा के चली जाती हूँ, कभी अपने ससुराल चली जाती हूँ, कभी कहीं और चली जाती हूँ। और मैंने इस चीज़ को बहुत लेटली रियलाइज़ किया कि मैं हमेशा अपने घर को अंधेरा करके चली जाती हूँ, लेकिन इस बार हर त्यौहार में मेरा घर खुला रहेगा। और ये देखिए, चलिए आप सभी दर्शन कीजिए, बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। और ये हो रहा है डांस, बड़ा मज़ा आ रहा था सबको देख के। सब कहीं ना कहीं जान पहचान के लोग हैं जो पिंक साड़ी में दिख रही हैं, खूब मस्त खूब मस्त। और ये मैं आई आरती का समय, ये हमारे सोसाइटी के मंदिर के पंडित जी हैं। तो मैंने दक्षिणा दे के और पापा जी को अच्छे से देखिए, मैं चाह रही थी कि आप भी देखिए। और अब ये आरती मैं लूँगी पहले, लेकिन मैं आप लोगों को आरती दूँगी। तो ये रही आपके लिए और ये रही मेरे लिए। और फिर पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया, फिर आगे आके मैडम ने मुझे टीका लगाया। बहुत स्वीट मैम थी, लेकिन वो गलती से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और फिर मैं थोड़ी देर खड़े होके भजन सुनने लगी पीछे खड़े होके, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, कैमरा भी लगा हुआ था, तो ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पे जाना। बहुत ही अच्छी तरीके से मना रहे हैं 19 और 20 तारीख को, कल तक के लिए है। तो
तो कल मैं फिर आऊँगी शाम को दर्शन के लिए। अब देखिए यही क्या होता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल मनाया जाता है ना, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी, नॉट ओनली महिलाएं, कोई भी अगर यहाँ स्टॉल लगाना चाहता है तो उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना स्टॉल लगाएं और जो भी उनको सामान अपना बेचना है वो बेचे। तो ये तो काफ़ी सालों से हो रहा है, इस बार मैं इसको अच्छे से पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ज्वेलरी बहुत आती है, इसके अलावा नए नए लोगों ने डिज़ाइनर कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हो। और देख मैं ये रही थी कि अब दुकानों में चेहरे चेंज हो गए हैं, तो पहले जो लेडीज़ लगाती थी वो शायद दुर्गा पूजा में लगाएंगी अब, और ये कुछ नए यंग बच्चे हैं। और बहुत ये रेजिन का कुछ आर्ट ऑब्जेक्ट्स थे, बड़े प्यारे खूबसूरत आर्ट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में कुछ भी ले नहीं पाई, तो इसलिए मैं बाद में दोबारा आई। ये कुछ ज्वेलरी थी, मुझे बहुत पसंद आई इनकी ज्वेलरी भी। ये बच्चों के लिए कुछ आइटम थे, स्टेशनरी आइटम्स थे, बहुत प्यारे प्यारे से टॉयज़ थे इसमें। ये है पूजा में यूज़ होने वाले जो तोरण वगैरह होते हैं और कुशन कवर्स, वो सब हैं। ये कुर्ते थे चिकन के, और साथ में कुछ ट्रेडिशनल हमारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी। और ये हर साल ये शॉप लगती है और बहुत बिकती है। इसके बाद पानीपत हैंडलूम की शॉप इन्होंने लगाई थी, ये भी कोई नए थे, मैं नहीं जानती इन्हें। इसके बाद लंबी कतार थी, मतलब बहुत शॉप्स थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, उनको मैंने थोड़ा डिटेलिंग में फ़ोटो किया। तो ये देखिए, ये भी सूट्स हैं, बच्चे अपने पसंद की दुकानों में गए हुए हैं और उनको टॉयज़ पसंद आ रहे हैं। और ये मेरे को अपने बचपन पे ले जाता है, जब हम लोग भी बंदूक पकड़ के बैलून फोड़ा करते थे। और ये रिंग्स होते हैं, जब आप रिंग्स डालते हो तो इसमें आपको साबुन, बिस्कुट कुछ भी मिल जाता है, तो वो एक्साइटमेंट थी। और फिर ये थे कुछ खाने के स्टॉल, तो ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन मेरा जो था पूरा कॉन्सेंट्रेशन था वो भोग की तरफ था, क्योंकि मुझे भोग ज़रूर खाना था भगवान जी का। यूजुअली मैं भाग जाती हूँ ऐसे ओकेजन से, तो फिर आज भी मैं भागी और ऊपर गई तो बेटे को मैंने बताया कि यज्ञ भोग मिल रहा है, तो वो फट से तैयार होकर मेरे साथ नीचे आ गया। उसने बोला मम्मी शर्माओ मत, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। और हम दोनों को देख के दीवा भी मेरे साथ आ गई, तो हम नीचे आए वापस तैयार होके। क्यूट सा बेबी था जो कि जिसकी मम्मी भेलपूरी खरीद रही थी। और ये कुछ टॉयज थे, बचपन में मेरे बच्चे भी चढ़ते थे इन सब झूलों में, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए है ना। उसके बाद ये एफ ब्लॉक में मैं पहुंचूंगी, जहाँ पे कि प्रसाद वितरण हो रहा था, यानी कि मोदक का वितरण हो रहा था। तो फिर प्रसाद दिया इन्होंने मेरे हाथ में मोदक, ये थैंक यू सो मच, बड़ा ही टेस्टी मोदक था। और मैं चली गई मोदक खाते हुए, मोदक मैंने खा लिया, लेकिन मैंने बनाना अपने वॉचमैन भैया को दिया। और ये हम लग गए भोग की लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी, लेकिन मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये मिल गई, ये मेरी थाली, ये यज्ञ की थाली, दीवा अपनी थाली लेके साइड में भाग गई, और मैंने इस खाने को खूब इंजॉय किया। जय हो गणेश जी, बहुत मज़ा आया, और आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलती कहानियाँ बाई ममता भट्ट, और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। गणपति बप्पा मोरया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।